गुजरात में चार दलित युवकों की पिटाई के मुद्दे पर अब सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। संसद में विपक्ष ने जोर शोर से ये मुद्दा उठाया तो वहीं गुजरात की सड़कों पर भी खूब हंगामा हो रहा है। दलित संगठनों ने आज गुजरात बंद का आह्वान किया है। इस दौरान कुछ इलाकों से हिंसा की खबरें भी हैं और आज इस मुद्दे की गूंज संसद में भी सुनी गई। जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू हुई दोनों सदनों में भारी हंगामा और शोर शराबा शुरू हो गया। लोकसभा में भी पीएम मोदी की मौजूदगी में इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। गुजरात में दलितों के साथ हुई मारपीट के मुद्दे पर लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। गृहमंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की। इस घटना में जो विक्टिम थे गिर सोमनाथ जिले के वेदिया गांव में एक मृत गाय के शरीर से चमड़ी निकाल रहे थे, फिर उसके बाद जो एक्यूज्ड हैं अभियुक्त वहां पर आए और उन्होंने उनके साथ गाली गलौज की और लोहे के पाइपों से लाठियों से एल्यूमिनियम स्ट्रिप आदि से पीटना शुरू कर दिया तथा पीड़ितों से तीन मोबाइल फोन भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और कुल 9 अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 7 न्यायिक हिरासत में हैं तथा अन्य 2 पुलिस हिरासत में हैं। आईपीसी की धारा 342, 365 और अत्याचार अधिनियम की धारा 31 को अब तक की गई जांच के आधार पर आगे और जोड़ा जा रहा है। कुल अब तक 4 अधिकारियों, 1 पुलिस इंस्पेक्टर, 2 सब पुलिस इंस्पेक्टर और 1 हेड कांस्टेबल को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के परिणाम स्वरूप सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राज्य सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवारों के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि वितरित की है, जिसमें से कि 1 लाख रुपए की धनराशि उन्हें अब तक उपलब्ध कराई जा चुकी है, शेष धनराशि भी उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। और अपराध की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच सीआईडी क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। गुजरात में दलितों के साथ हुई मारपीट के मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि इस मामले पर गुजरात सरकार ने लापरवाही बरती। नहीं तो ये मामला जो है जिस तरह से हैंडल हो रहा है मेरा ख्याल से वो ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो सरकार को तुरंत या तो केंद्र सरकार को भी इंटरवीन करके उसमें जरूरी जो कार्रवाई है करने की जरूरत है। ये लेकिन ये आरोप लगा रहे बीजेपी यहाँ कौन सा चुनाव आ गया, उससे पहले भी दलितों पे जब से सरकार आई है आप देख लीजिए अलग अलग स्टेट में इस तरह के हादसे हुए हैं और ये सरकार हाथ हाथ धरे बैठी हुई कुछ नहीं करी तो उसमें कौन सी राजनीति है। हमने तो शांति के लिए अपील भी की है, हम कॉपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम ऐसी घटनाएं घटित न हो उसके लिए कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। गुजरात में दलित युवकों के साथ मारपीट के मुद्दे पर सभी दल फिक्रमंद हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस पूरे मसले पर सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर भी अटैक किया है। माया ने कहा है कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर ड्रामा कर रही है। मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार गंभीर है और मायावती यूपी चुनाव को देखते हुए इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी मेन अपोजिशन है वहाँ की असेंबली में, तो वहाँ के कांग्रेस पार्टी को तो बहुत पहले वहाँ हरकत में आना चाहिए था, लेकिन ये लोग वहाँ पे हरकत में नहीं आए और ये सारे लोग मिले हुए हैं दलितों के मामले में कि उत्पीड़न हो उसको दबा दिया जाए, चाहे तो यूपीए के लोग हैं चाहे एनडीए के लोग हैं, कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोग दलित उत्पीड़न के मामले में अंदर अंदर आपस में मिले रहते हैं। कोई भी घटना घटती है तो ये लोग पहले दबाने की कोशिश करते हैं, जब बीएसपी हरकत में आती है तो तब ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में तो फिर ये थोड़ा अपना मुंह खोलते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों को ये कहना कि बीएसपी तो ड्रामेबाजी नहीं करती है दलितों के ऊपर जब उत्पीड़न होता है उनको न्याय दिलाने के मामले में, कांग्रेस अन्य पार्टियों की तरह ड्रामेबाजी नहीं करती है, बीएसपी जो कहती है उसको करके दिखाती है और उनके हकों की लड़ाई के लिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए तो वो जी जान से वो अपनी आवाज भी उठाती है।
और वहाँ पर जो गुजरात में जो हमारी पार्टी का स्टेट यूनिट है पूरा उनके संपर्क में है, जितना वो लोग उनकी मदद कर सकते वो लोग उसमें लगे हुए हैं। देखो, जो राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में काम करता है उसको जाने का अधिकार है, परंतु मैं जो जा रहे हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो गुजरात की सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, कठोर कार्रवाई की, तत्काल कार्रवाई की और अपराधियों को दंड देने का उनका सक्रिय प्रयास है, उसके बाद वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि केरल में एक दिशा माल ने आत्महत्या की थी या उसकी हत्या हुई थी, उस समय वो क्यों नहीं गए थे? जैसे उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दलित वर्ग के व्यक्ति को चौराहे पर दौड़ा दौड़ा करके मारा गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी, उस समय ये राजनीतिक करने वाले लोग क्यों नहीं गए थे? मैं मायावती जी से भी पूछना चाहता हूँ कि उस समय वो वहाँ क्यों नहीं गई थी। और मैं ये आरोप भी लगाना चाहता हूँ आज कि जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तब तक ये इसी प्रकार का वातावरण खराब करने का प्रयास करते रहेंगे, जैसे पहले एक बार बिहार में हुआ था। दलित वर्ग आज अगर किसी के कारण सर्वाधिक नुकसान उठा रहा है तो वो है मायावती जी। गुजरात में चार दलित युवकों से मारपीट के बाद भड़की हिंसा के बाद हालात अब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। दलित संगठनों ने आज पूरे गुजरात में बंद का आह्वान किया है। बंद को देखते हुए राजकोट, अहमदाबाद और सौराष्ट्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गुजरात में दलितों के साथ मारपीट का मुद्दा राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए गुजरात जा सकते हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी 22 जुलाई को गुजरात जा सकते हैं। केजरीवाल पीड़ित दलित युवाओं से मिलेंगे। केजरीवाल 22 जुलाई को गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना का दौरा करेंगे। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के सबसे उम्रदराज मुद्दई हाशिम अंसारी का निधन हो गया। 95 साल के हाशिम अंसारी ने आज सुबह करीब 5:30 बजे फैजाबाद में अपने घर पर आखिरी सांस ली। हाशिम अंसारी पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। हाशिम अंसारी को आज शाम 5 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। पिछले 60 साल से हाशिम अंसारी बाबरी मस्जिद मामले पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। मुद्दई बाबरी मस्जिद, इनका इंतकाल सुबह 5:30 बजे हो गया है। जिनका सुपुर्द खाक जो है वो मणि पर्वत पे 5 बजे होना है, तय हुआ है। इनका आज सुबह 5 बजे इंतकाल हो गया। इनको सुपुर्द खाक सलाम के कब्रस्तान के आस्थाने के ये किया जाएगा। लगभग इनकी उम्र 96 वर्ष थी। इनके फेस मेकर भी लगा था और काफ़ी दिनों से लगभग 5 वर्ष से बीमार भी चल रहे थे, पैर दोनों काम भी नहीं कर रहे थे। अयोध्या विवाद के सबसे बुजुर्ग मुद्दई के निधन के बाद संत समाज ने शोक जाहिर किया है। विवाद से जुड़े तमाम संत उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हाशिम के घर पहुंचे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि हाशिम के निधन से अयोध्या मसले की हानि हुई है, तो अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञान दास ने हाशिम के निधन पर शोक व्यक्त किया। वो यही कहा करते थे कि हमारे जीवन में ही रामलला के यह है जो केस है वो समाप्त हो जाए, क्योंकि अब जीवन का कोई आशा नहीं है। तो उनका इस प्रकार का साहस और इस प्रकार के कार्य थे वो रामलला के पक्ष में रहे, और यह आशा की जाती थी कि अब शीघ्र ही रामलला का जो समस्या है वह आपसी समझौता से समाधान हो जाएगा। लेकिन उनके चले जाने से यह बहुत बड़ा एक धक्का लगा रामलला के मंदिर के निर्माण में और रामलला के यह केस में। इसलिए मैं उस परमात्मा से यह निवेदन करता हूं कि उनके परिवारों को सुख शांति दे। हाशिम अंसारी जी एक पूरे भारत में एक स्तंभ के रूप में कायम थे और उनका 96 वर्ष का उम्र था और हमारा करीब 65 साल का होगा, लेकिन फिर भी अपना मित्र हमको बनाए थे, हमारे पर यकीन करते थे। और अभी जब हम यहाँ आए थे ईद मिलन के शुभ अवसर पर आप लोग थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि महाराज महन जी, हम अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी कायम कर दिया है
और यह आपके सदा सहयोग में रहेंगे। तो अब हम यही चाहेंगे इनका जो पुत्र इकबाल जी हैं उन पर कोई भी आपत्ति विपत्ति अगर आएगी, आएगी ही नहीं, अगर आएगी तो उसको पहले हम झेलेंगे और हम दोनों मिलकर के, भाई भाई मिलकर के इस मामला को सॉल्व करेंगे। हाशिम अंसारी की जिंदगी के तमाम ऐसे पहलू हैं जिन्हें जानना जरूरी है और इन सब पहलुओं को जानने के लिए हमने इंडिया 24/7 के एडिटर वासिंद्र मिश्र से बातचीत। मस्जिद और हाशिम भाई दोनों एक दूसरे के सिनोनिम थे, ये बात सच है कि 1949 से लेकर और अब तक बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी करने से लेकर और उस मुहिम को आगे बढ़ाने में हाशिम अंसारी का बहुत बड़ा रोल था। बावजूद इसके हाशिम अंसारी की तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं की गई या कही गई जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़े, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को कहीं से ठेस लगे, हिंदू मुस्लिम के बीच में किसी तरह की खाई पैदा हो। और सबसे खास बात ये थी कि मुकदमे की पैरवी हाशिम अंसारी और रामचंद्र परमहंस जी दोनों साथ जाकर किया करते थे। इतने लंबे समय तक बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी करने के बावजूद हाशिम अंसारी ने हजारों बार ऐसा वक्त आया जब उन्होंने अपने ही बिरादरी के लोगों के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान दिया। मेरा मानना है कि हाशिम अंसारी ने जिस तरह से दुनिया में रहते हुए जी अपनी बात मजबूती से कही अदालत के अंदर और समाज के सामने, और जिस तरह से सादगी से इस पूरे आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ थी। राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे विनय कटियार ने कहा है कि हम लड़ाई लड़े हैं और लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हाशिम अंसारी जैसी शख्सियत का मिलना मुश्किल है। उनके मुताबिक हाशिम अंसारी की शख्सियत ऐसी थी कि कोर्ट में चल रहे मुकदमों के बाद भी विरोधियों से उनकी दोस्ती थी। विनय कटियार से बातचीत की इंडिया 24/7 संवाददाता सर्वेश। बाबरी मस्जिद के मुद्दे ही रहे, हाशिम अंसारी साहब अब नहीं रहे और उनके साथ तमाम लोगों ने 60 साल का सफर तय किया है। उस समय हमारे साथ विनय कटियार साहब हैं, आइए जानते हैं। सर, अब तो हाशिम जी नहीं रहे, एक लंबी लड़ाई रही है मंदिर और मस्जिद को लेकर, क्या कहेंगे आप इसके? नहीं, लड़ाई रही है, लड़ाई अभी आगे जारी भी है, लेकिन हाशिम अंसारी के साथ व्यक्तिगत किसी का कोई टकराव नहीं था और हाशिम अंसारी जो थे बड़े काफ़ी मिलनसार व्यक्ति रहे हैं और अंतिम समय तक सबसे वो मिलते जुलते रहे। मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति मिलना काफ़ी कठिन है। ये ठीक है, गरीबी हालत भी उनकी जो परिवार की माली हालत जो थी वो ठीक नहीं थी, इसके कारण से भी लड़के कोई काम वाम भी नहीं करते थे तो कठिनाई के साथ परिवार को चलाते थे। लेकिन जहाँ मंदिर और मस्जिद का सवाल रहता था वो हमेशा पक्ष में रहे हैं। कई बार मेरे साथ ही मिल करके उन्होंने बयान दिया कि वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए, वो मंदिर निर्माण के समर्थक रहे हैं, लेकिन वो चाहते जरूर थे इस बात को कि बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान हो जाए ताकि मुसलमानों को भी उसमें कहने के लिए कुछ रह न जाए और हिंदू समाज के लिए राम मंदिर का निर्माण भी हो जाए, इसकी उनकी दिली इच्छा थी। अब उम्र का आयु का भी फैक्टर था और वो हमारे बीच में नहीं रहे। एक वही मुख्य मुद्दे बाबरी एक्शन कमेटी के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने केस किया था, लड़ रहे थे, वो भी आज हमारे बीच में नहीं रहे और मैं ऐसे समय में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि उनको आत्मा की शांति प्रदान करें। कैमरामैन अजय शर्मा के साथ सर्वेश कुमार, इंडिया 24/7 दिल्ली। हाशिम अंसारी के निधन के बाद अयोध्या विवाद से जुड़े मुकदमे पर क्या असर होगा, मामले को लेकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर और सीनियर वकील जफर याब जिलानी का कहना है कि इससे मुकदमे पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मुकदमे के में
किसी से मुकदमे में लड़ना या मुकदमे में अपनी बात कहना, इससे ये मतलब नहीं कि उससे हमारी दुश्मनी हो जाए। हाशिम अंसारी साहब ने जो सबक मिलता है उनकी ज़िंदगी से, यही मिलता है कि ज़ाती मामलात बिल्कुल अलग हैं और मुकदमे में स्टैंड बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल नरम थे, हर वक्त गुफ्तगू को तैयार रहते थे, लेकिन अपना स्टैंड उनका मुस्तकिल था। देखिए मुकदमे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी गवाही हो चुकी थी हाई कोर्ट में और वो मुकदमे में वादी थे, तो वादी का रोल मेनली यही होता है कि कोर्ट में एविडेंस डॉक्यूमेंट्री और ओरल दोनों पेश कर दे जो उसके पास है, तो वो तो उन्होंने पेश कर दी थी और ख़ुद बयान भी दे दिया था, इसलिए मुकदमे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। आप तो खाली सुप्रीम कोर्ट में बहस होना है और बहस वकला करेंगे उस रिकॉर्ड के बेस पर जो कोर्ट में दाखिल हो चुका है, और उसकी पैरवी जो है वो चूँकि पर्सनल अबोर्ड कर रहा है इस वक्त, तो उनका लड़का फॉर्मली उनकी यहाँ पे फरीक बन जाएगा, लेकिन ये कि उससे कोई मुकदमे की पैरवी पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल उनके न होने से जो असर पड़ेगा वो पब्लिक में। 80 के दशक के हॉकी के स्टार खिलाड़ी और ड्रिबलिंग के बादशाह कहे जाने वाले मोहम्मद शाहिद का 56 वर्ष की उम्र में आज गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। मोहम्मद शाहिद लिवर की गंभीर समस्या से जूझ रहे थे, अंतिम क्षणों में वेंटिलेटर पर चल रहे मोहम्मद शाहिद ने आज सुबह 10:45 बजे आखिरी सांस ली और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी ले जाया जाएगा। वाराणसी के रहने वाले मोहम्मद शाहिद देश की ओर से हॉकी खेलने वालों में बेहतरीन ड्रिबलर के रूप में याद किए जाते रहेंगे और साल 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारतीय टीम के स्वर्ण पदक जीतने में उनकी अहम भूमिका रही थी। इसके बाद भारतीय टीम कभी ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीत पाई। रेलवे में स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत मोहम्मद शाहिद को वर्ष 1986 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली के नरेला इलाके में आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता सोनी ने खुदकुशी कर ली। सोनी ने चंद दिन पहले नरेला इलाके से आम आदमी पार्टी के एक नेता के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। बताया जा रहा है कि सोनी ने इस मामले की शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं से भी की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। 25 साल की सोनी ने मंगलवार को अपने घर पर जहरीली चीज खाई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां रात करीब 10 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आम आदमी पार्टी के महिला कार्यकर्ता की खुदकुशी का मामला सामने आने के बाद विरोधियों को आम आदमी पार्टी पर अटैक करने का मौका मिल गया है। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने महिला को सुसाइड के लिए मजबूर किया। कार के प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है, तो ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो जनता के पैसे से। आपको अभी आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता का सुसाइड हुआ है और आरोप भी पार्टी के ही जो है एक मतलब कार्यकर्ता पर लगा है, आपको क्या लगता है? इस पूरे मसले को आपने पहले उठाया भी था। देखिए ये मामला बहुत गंभीर है। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता जिसको का शोषण हुआ, जिसको मानसिक रूप से पीड़ित किया गया, जिसको शारीरिक शोषण के लिए मजबूर किया जाता था और जिसने FIR तक दर्ज कराई और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर दलीप पांडे को मिलकर उसने अपने बाकी साथी कार्यकर्ता जो उसको शारीरिक संभोग के लिए उकसाते थे और उसको मजबूर करते थे और कहते थे कि राजनीति चमकानी है तो शरीर से मुंह छोड़ना पड़ेगा, ये इस तरह की उसको मानसिक पीड़ा दी और FIR में तब दर्ज 164 के बयान में आम आदमी पार्टी के विधायक का और कार्यकर्ता का नाम उसने दिया था और जब उसको कहीं से न्याय नहीं मिला तो एक इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण क्या होगा कि एक महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है और वो भी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा किया गया और आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी वो और उनके नेताओं ने उसको संभोग की वस्तु बनाने की कोशिश की जिसके कारण उसको सुसाइड करना पड़ा। ये मामला गंभीर मामला है, हम इसमें किसी भी रूप में पीछे हटने वाले नहीं है। ये एक तरह की हत्या है, आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा की गई हत्या है क्योंकि उसके पास बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको वो छुपाना चाहते थे। आपको लगता है कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार आखिर अब इस मामले में चुप क्यों? महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार के लोग ही महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। अभी मनोज कुमार के मामले में 3 दिन पहले सोमनाथ भारती के मामले में और अब ये जो मामला सामने आया है प्रकाश इस महिला कार्यकर्ता का जिसने FIR दर्ज कराया, इससे तो साफ जाहिर हो गया
कि इस पार्टी में महिलाओं का ना सम्मान है ना महिलाएं सुरक्षित है। जब पार्टी में ही महिला सुरक्षित नहीं है तो वो दिल्ली में और देश में महिलाओं को सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे। हम अपनी समझ से बाहर। दिल्ली से कैमरा पर्सन शिव के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, इंडिया 24/7। महिला कार्यकर्ता की आत्महत्या मामले पर विपक्ष और महिला एक्टिविस्ट जहां अटैकिंग मोड पर हैं, तो वहीं सवालों में घिरी आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। सूबे के कई इलाकों में बाढ़ के पानी ने कहर बरपाया है। खासतौर पर 4 जिलों में हालत बेहद खराब है। सूबे के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने प्रभावित इलाकों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हालात का जायजा लिया। बैठक में मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सिंचाई, डीजीपी जावेद अहमद, राहत आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर शिवपाल ने कहा कि राहत के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र को जितने पैसे देने थे उसका आधा ही उन्हें मिला है। सभी जिलाधिकारी और सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, अगर कहीं पर भी बाढ़ में जनहानि होती है, पशु हानि होती है, या कहीं पर भी मकान गिरते हैं, या कहीं पर भी बाढ़ से अगर कहीं पर भी गांव के लोग फंसे हैं, तो उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर और दवाई से लेकर के और जो भी खाने पीने का पानी से लेकर के उनका ठीक से प्रबंध कर दिया जाए। भोपाल में मंगलवार को बाढ़ पीड़ितों को सरकारी उचित मूल्य दुकान से बट रहे अनाज को लेकर हंगामा मामले में मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कल बाढ़ पीड़ितों ने आरोप लगाया था कि जो अनाज उन्हें दिया जा रहा है उसमें अनाज कम मिट्टी ज्यादा है। सीतापुर में सरेआम में एक लड़के की पिटाई करने के आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया 24/7 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सीतापुर में एक दारोगा ने एक शख्स को बड़ी ही बेरहमी से बीच सड़क पर जमकर पीटा था और महज कुछ सेकंड में 6 थप्पड़ जड़ दिए थे। सीतापुर के महुली थाने में तैनात दारोगा जितेंद्र सिंह की ये गुंडई वहां मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर दी थी। दारोगा जी चेकिंग के लिए शख्स को लेकर सड़क पर पीट रहे थे और तभी रिकॉर्डिंग की जा रही थी। हालांकि दारोगा ने जब रोकने की कोशिश भी की तो उसके बावजूद भी जब शख्स ने इसका विरोध किया तो उस पर मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया और उसको थाने तक ले जाया गया, जिसके बाद दारोगा साहब ने युवक की जमकर धुनाई की। और वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि दारोगा जितेंद्र सिंह आए दिन ट्रक चालकों से वसूली करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बावजूद भी स्कूलों में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आया है। यह एक इंग्लिश टीचर पर इंटर की स्कूली छात्रा को मारने का आरोप लगा है। आरोप है कि मामूली सी बात को लेकर टीचर ने छात्रा की जमकर पिटाई कर दी। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। हाथ वगैरह खींच रहे थे सर, बाहर आए थे सर, हमने उनसे बोला कि सर आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, आप हाथ क्यों खींच रहे हैं। तो सर ने बोला है कि तुमसे क्या, और सर ने बोला है कि मैं खींचू या कुछ भी करूं सर, और वल्गर वर्ड्स भी सर ने यूज़ किया। पिटाई करने की बात उसके परिजनों ने बताई है स्कूल टीचर के खिलाफ, तो उस पर तहरीर प्राप्त हुई, मुकदमा करने की जो सच्चाई होगी उस पर कार्रवाई। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है और इस मौके पर हजारों भक्तों ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में होने वाली विशेष भस्म आरती में हिस्सा लिया। महाकाल मंदिर के दरवाजे सुबह 3 बजे ही खोल दिए गए थे और बाबा महाकाल का जल से स्नान कर पंचामृत महाभिषेक किया गया। भस्म आरती में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नारद राय भी महाकाल मंदिर पहुंचे और चुनाव में दोबारा अपनी पार्टी की जीत के लिए प्रार्थना की। श्रावण मास आज से प्रारंभ हुआ है और श्रावण शिव का महीना होता है और इस महीने के अंदर जो भी भक्त शिव की आराधना, पूजा और दर्शन करता है उसके समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने धमकी भरे अंदाज में भारत को चेतावनी दी है। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान कभी कश्मीर नहीं छोड़ेगा और कश्मीर की लड़ाई हमेशा लड़ता रहेगा। नवाज शरीफ ने यहां तक कह दिया कि भारत को कश्मीर में हो रहे संघर्ष के सामने अपनी हार माननी पड़ेगी।
नवाज शरीफ का कहना है कि कश्मीर से पाकिस्तान का खून का रिश्ता है और वो कभी भारत का अंदरूनी मामला नहीं हो सकता।